कुछ भी फाउंडेशन है, वह ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ गया तो कितने टाइम बाद वो बाहर की दुनिया में दिखाई पड़ेगा। हम गंदे संकल्प चलाते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प चलाते हैं। उन संकल्पों से हमारी आत्मा की जो सृष्टि रची जाती है वो द्वापर कलयुग में रची जाएगी या सत्युग त्रेता में रची जाएगी? द्वापर कलयुग में रची जाएगी। और जो सत्संकल्प चलाते हैं, श्रीमत के अनुकूल चलाते हैं, उसमें मन मत मिक्स नहीं होती, मनुष्यों की मत मिक्स नहीं होती। ऐसे संकल्प जो चलाते हैं उसमें तीव्रता होगी या धीमी गति होगी? तीव्रता होती, इसलिए वो जल्दी फल लेते हैं, सत्युग त्रेता में फल लेंगे। और वैसे भी कर्मों की गुह्य गति का यही हिसाब है कि जो कर्म जितनी तीव्र गति से किए जाएंगे उतने जल्दी फल देंगे, और जो कर्म जितनी धीमी गति से किए जाएंगे उतने अनेक जन्मों के बाद फल देंगे। जो कर्म मन की पूरी पावर लगा करके, तन की पूरी पावर लगा करके, धन की पूरी पावर लगा करके, वाचा की पूरी पावर लगा करके, माने मनसा वाचा कर्मणा तीनों की पूरी पावर लगा करके तीव्रता से किए जाएंगे, वो जरूर जल्दी फलीभूत हो जाएंगे। ईश्वरी सेवा में भी ऐसे ही, अगर हम सिर्फ याद करके, याद की ताकत से हम कोई काम कराना चाहें तो उतने जल्दी फलीभूत नहीं होगा। और मन सा वाचा कर्मणा तीनों की ताकत लगा करके कोई पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, तो जल्दी जल्दी फलीभूत हो जाएगी।